देश के युवा लेखक नीलोत्पल मृणाल अक्सर अपनी किताबों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले लंदन में सुसाइड करने वाले शख्स को बचाते लोगों की फोटो फेसबुक पर शेयर करने के साथ कमेंट पर सुर्खियों में आए थे, तो इस बार भी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल होने की वजह एक छोटा बच्चा है जिसने नीलोत्पल मृणाल की लिखी किताब डार्क हॉर्स की कुछ पंक्तियां गाई, तो लोग इन पंक्तियों को लिखने वाले और इस बच्चे के बारे में जानने के लिए उतावले होने लगे। तो चलिए वायरल हो रहे बच्चे की उस पंक्ति को सुन लेते हैं। नतीजा ये हुआ कि आधी रात को गांधी जी को रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन गांधी जी ने उस जख्म को सहलाया नहीं, उसे कुरेदा और उनके अंदर एक हथियार उगाया, सिविल नाफरमानी। जालिम का न कहा मानना ही सिविल नाफरमानी है, और इसी के साथ एक इतिहास की शुरुआत होती है। लुई फिशर कहते हैं कि अगर उस अंग्रेज के बच्चे को ये मालूम होता कि जिस आदमी को वो ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक रहा है वही आदमी एक दिन अंग्रेजी हुकूमत को पूरे ग्लोब से बाहर फेंक देगा, तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। बड़ी अजीब विडंबना है कि गांधी के देश के लोगों ने ही गांधी को सबसे कम पढ़ा व समझा। हैरी पॉटर और चेतन भगत को दिन रात भोर दोपहर एक करके पढ़ने वाली युवा पीढ़ी अगर गांधी जी को तबीयत से पढ़ दी होती तो आज पीढ़ियों का सबक शायद कुछ और होता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि आज तमाम फैंसी और फेसबुकिया ज्ञान हमारे पास हो गए हैं। जैसे बंटवारे का शाश्वत कारण गांधी जी को मानना और गांधी जी को मुस्लिम परस्त कह देना, तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हे राम से बाकी कौमें डरती नहीं थी, क्योंकि गांधी भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। आज के समय में अहिंसा को कायरता और कमजोरी का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेना से आप हथियार से लड़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ऐसा हथियार चुनना होगा जिसका मुकाबला वो न कर सके, और वो हथियार है अहिंसा। गांधी जी का कहना था कि आंख के बदले आंख फोड़ने से तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। उनका ये भी मानना था कि ऐसी पढ़ाई जो आपके हुनर को बढ़ावा न दे वो बदतमीजी की पढ़ाई है। गांधी जी और तमाम नेताओं और सेनानियों के बलिदानों, आंदोलनों और जेल यात्राओं के फलस्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हमें आजादी मिली, और हम देशवासी गांधी जी को इतना चाहते थे कि अगले ही वर्ष उन्हें 3 गोलियां मारकर उनकी यही समाधि बना दी। लेकिन गांधी कभी मरते नहीं है, क्योंकि गांधी एक विचार का नाम है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, और विचार सदैव जीवित रहता है। अंत में दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियों के साथ अपने व्याख्यान का समापन करना चाहूंगा कि खुदा नहीं न सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में। बता दें कि दुमका के नोनीहाट में रहने वाले नीलोत्पल को साल 2015 में अपने उपन्यास डार्क हॉर्स के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला था, और इसी किताब की कुछ पंक्तियों के साथ ये बच्चा वायरल हो गया। न्यूज़ डेस्क।